दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये हमारा होटल था, रिसेप्शन था, और ये यहाँ पर रिसेप्शन के लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। तो अभी अगला सफ़र शुरू करते हैं दोस्तों। और आज के इस सफ़र में यहाँ से हम विशाखापट्टनम से ट्रेन के द्वारा जाने वाले हैं, तो बने रहे पूरे वीडियो में। और श्रीकाकुलम तक हम जाएंगे इस वीडियो में, तो पूरे वीडियो को एंजॉय करें। और ये होटल के बाहर का व्यू, एक शानदार सिटी विशाखापट्टनम, शानदार बीच यहाँ के, बीच के भी मैंने दो वीडियो आपको दिए हैं, होपफुली आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। बहुत ही शानदार बीच है और बहुत सारी भीड़ वहाँ पे देखने को मिलती है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ रह करके। तो अभी हम हमारा नया सफ़र, नया दिन शुरू करते हैं, बने रहे पूरे वीडियो में और इन्जॉय करें। और ये ठेले वाले भैया, यहाँ हमने नाश्ता किया दो दिन, डोसा, दो डोसा, कड़ी, कड़ी का एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि साउथ में कड़ी नहीं देते हैं, बाकी सब चीज़ें साथ में देते हैं, सफ़ेद चटनी वगैरह, लेकिन कड़ी भी मिली। और दो डोसे सिर्फ 30 रुपये में, बहुत ही सस्ता और बहुत ही टेस्टी था, दिल से लोग बनाते हैं, 10 रुपये की चाय है, तो इस तरह से ये। और ये हमारा होटल स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, 3 नंबर गेट से हम यदि लेफ्ट साइड में चलते हैं तो आगे ये चौक आ जाता है, जो आप अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस चौक के, चौक से हमें लेफ्ट घूमना है, और ये हमारा होटल जहाँ से अभी हम चल के आ रहे हैं। 400 रुपये में सिंगल रूम हमें मिला, अच्छा रूम था, साफ सुथरा था। तो बने रहे पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस ट्रिप को एंजॉय करें। और ये यहाँ पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के पास ही हमारा रेलवे का 3 नंबर गेट, और ये हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा। आइए टिकट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये टिकट के काउंटर यहाँ पर, और ये यहाँ वेंडिंग मशीन, हमने ये भैया से टिकट ले ली है वेंडिंग मशीन से, 60 रुपये की टिकट है श्रीकाकुलम तक की। ये वेंडिंग मशीन बहुत सारी लगी हुई है, इधर भी है, ये इधर भी है, ये देखो भैया, ये आवाज़ लगा लगा के बताते हैं। और ये यहाँ पर ट्रेन के बारे में है, तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और हमारी ट्रेन में, अभी ट्रेन में तकरीबन 1 घंटा बाकी है। और ये बाहर का व्यू है इसका, ये यहाँ क्लॉक रूम भी है, सामान भी आप यहाँ रख सकते हैं 24 घंटे के लिए। और ये प्लेटफॉर्म के लिए, और ये गाड़ियों का यहाँ टाइमिंग वगैरह दे रखा है। अभी हमें प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो इधर से चलते हैं, आइए। और ये 8 नंबर को जाने वाला रास्ता, जिस पे हमारी गाड़ी खड़ी है, 8 नंबर पे चलते हैं। एसी रिलैक्सिंग लॉज यहाँ बने हुए हैं, लेकिन ये पे करके आपको जाना है, 2 घंटे के 50 रुपये यहाँ पर पे करके आप इसमें आराम से रुक सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और अंदर ये व्यू आपको दिख रहा है, तो ये पर पैसेंजर 47-50 ये कहाँ तक लेके जाते हैं पता नहीं। और ये यहाँ का व्यू है 8 नंबर प्लेटफॉर्म का, ये यहाँ ट्रेन के टीटी हैं, जो यदि आपको जनरल की टिकट है और आपको स्लीपर या एसी में जगह चाहिए, तो जैसे मेरी ये सीट थी देखिए आप, और ये इन्होंने निशान लगा दिया, ये जो निशान लगा पेन से, ये निशान लगा दिया,
और S3 में 68 मेरे को बोल दिया कि आप जाके बैठ जाइए, और 50 रुपया चार्ज किया उस सीट का। तो जनरल की टिकट को आप अपनी स्लीपर में या एसी में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं टीटी से, यदि जगह है तो। हमें अभी ये S3 है, और इसमें हमें ये देखें आप S3 हमारा डब्बा, और इसमें हमें 68 में जाना है, ये S3 और 68, और ये हमारी ट्रेन 68। तो ये डब्बे में हम जाते हैं, आइए मेरे साथ में आप भी। तो यहाँ ये 79 75, ये यहाँ 68 यहाँ पर है हमारा। चलो देखते हैं, विशाखापट्टनम से 60 किलोमीटर चलने के बाद ये स्टेशन आया है पहला, विजयनगरम जंक्शन। और यहाँ से अभी 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद चलेगी। चिपुरुपल्ली, और यहाँ से हमारा श्रीकाकुलम 40 किलोमीटर और रह गया। हमारी ट्रेन बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही है, और हम यहाँ पर हमारे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। ये श्रीकाकुलम रोड हमारा स्टेशन आज का आ गया है, और ये ट्रेन हमें यहाँ तक लेके आई है। और ट्रेन का भी अभी टाइम हो गया है, 2 ही मिनट रुकती है यहाँ पर, वापस यहाँ से अभी रवाना हो रही है।
तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।